अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो प्ले स्टोर पर जाकर के मेटामास्क का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप आईफोन चलाते हो तो ऐप स्टोर पर जाकर के आप अपनी मेटामास्क की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सेम प्रोसेस है जो यहाँ पे है, वो वहीं पर भी वो फोन पे भी वही प्रोसेस होगा। तो मैं यहाँ पे चालू करता हूँ अब सर्च मेटामास्क एक्सटेंशन, थोड़े जल्दी के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये मेरी एक्सटेंशन क्रोम की एक्सटेंशन खुल के आ चुकी है, मेटामास्क की एक्सटेंशन खुल के आ गई है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ एड टू क्रोम, ये चेकिंग हो रही है, यहाँ पर आ रही है एड एक्सटेंशन, उस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी एक्सटेंशन डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होने के बाद ये चेकिंग हो रही है। थोड़ा मेरा पीसी स्लो है। ये मेटामास्क हैज बीन एडेड टू क्रोम, ठीक है, ये ऐड हो चुका है, ये यहाँ पर मेरी एक्सटेंशन पर आ भी चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना एक नया पेज खोल करके मेटामास्क की एक्सटेंशन को ऑन करता हूँ और यहाँ पर सर्च करूँगा मेटामास्क। ठीक है, मेटामास्क सर्च करने के बाद मेरा मेटामास्क अब खुल चुका है। ठीक है, ये मेरा मेटामास्क खुल चुका है, वेलकम टू मेटामास्क लिखा रहा है, कनेक्टिंग टू इथेरियम एंड द डिसेंट्रलाइज वेब, वी आर हैप्पी टू सी यू। अब मैं यहाँ पर अपना वॉलेट बनाना है तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। ये कह रहा है ऑलरेडी है या आपको नया बनाना है, तो मुझे क्रिएट अ वॉलेट बनाना है। ठीक है, नया वॉलेट बनाना है तो क्रिएट अ वॉलेट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आई अग्री को बोल रहा है अग्री, ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा, तो आपको 8 करेक्टर का पासवर्ड दे देना है। ये मैं न्यू डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ पासवर्ड को। अब यहाँ पर एक कर दिया और ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट के बाद ये बता रहा है सिक्योर योर वॉलेट, और यहाँ क्या लिखा है हाउ डू आई सेव माई सीक्रेट फ्रेज रिकवरी फ्रेज। तो यहाँ पे आपको रिकवरी फ्रेज दी जाएंगी, वो 12 करेक्टर की होंगी, उसको आपको संभाल कर रखना होगा क्योंकि वही उसी से आपका अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि आपको कहीं कोई बैंक के लॉकर में आपको उसको रख देना है, जगह जगह रख देना है, एक ही जगह नहीं रखना है, काफ़ी जगह फ्रेज को उसको रख देना है, क्योंकि अगर आपका वॉलेट ख़त्म हो गया तो फिर बाद में निकल नहीं सकता। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद में फ्रेज देखता हूँ, फ्रेज को मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारी फ्रेज को। कॉपी, और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद जो मेरी फ्रेज मिली थी 12 करेक्टर की, उसको मैं यहाँ पर सीरीज वाइज लगा देता हूँ, तो मेरा वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये और ये मेरी लास्ट फ्रेज लग चुकी है। अब मैं इसको नेक्स्ट पर कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ गया है, और यहाँ पर आया है टिप्स ऑन स्टार्टिंग इट सेफली, सेव अ बैकअप इन मल्टीपल प्लेसेस, बाकी वो लिखा है कि फ्रेज को संभाल के रखना है और अलग अलग जगह पर रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑल डन पर क्लिक कर देता हूँ। ऑल डन पे करने के बाद ये मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है, अब मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है। क्रिएट वी आर इट इजी टू रीड, इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये वॉलेट आ गया है, अकाउंट 1 क्रिएट अकाउंट कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट, इतना कुछ लिखा है इसमें। यहाँ पर नीचे में देखता हूँ, ठीक है, डिपॉजिट एथर, और ये मेरा सेंड टू आ गया है, और ये मेरा स्वैप का भी आ गया है, क्या आप एथीरियम को किस में स्वैप करना चाहते हो, वो स्वैप का भी है। ठीक है,